जिला अनंतनाग के नंबल बिजबिहाड़ा में पानी की किल्लत के सबब लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमें बहुत ही गिला है, पीएचई का पानी जो आता है बूंद बूंद आता है, हमारी टैंकियों में पानी नहीं जाता है, टांकियां बाथरूम अंदर बनाने का कोई फायदा नहीं है। ये कभी चश्मे पर जाते हैं, कभी कुछ ठीक पानी नहीं है, चश्मे तंगी होती है हमारे, और तो बहुत मुश्किल होता है। तकरीबन 40 साल हो गया जो पाइप डाली है, उनके जंग लगा है, पानी आता नहीं है। अब जो चश्मे का पानी, चश्मे से हम पानी लाना पड़ता है, वो सर्दियों में बहुत मुश्किल हो रहा है, औरतें वहाँ जाती हैं, कोई गिर भी जाती है तो बड़ी मुश्किल आता है, इसलिए पाइपें नहीं डाली जाए। और जो अलाटमेंट टी साहब ने की थी उसको फिर दोबारा देख कर क्यों वो लफ्स क्यों पैसा लफ्स क्यों हुआ, लफ्स पैसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी नई पाइपें डाल के हमने पानी तो दिया जाए। मुकामी बाशिंदों के मुताबिक जिला इंतजामिया ने इलाके में नई पाइपलाइन नस्ब करने के लिए 2 साल कबल रकम वागुजार की, ताहम इसके बावजूद महकमा जल शक्ति ने काम शुरू नहीं किया और 250 से जायद कुंबे आज भी पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। तो हमने 2019 में 19-4 को यहाँ हमने एक अप्लाई किया पीएचई डिपार्टमेंट को, जो बाद में डी साहब अनंतनाग ने मार्क किया पीएचई डिपार्टमेंट को आफ्टर वेरिफिकेशन कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट ने अपने जो एस्टिमेट वगैरह भेजा इसका करने के लिए, रिप्लेस पाइप्स वगैरह और कनेक्शन थोड़ा ऊपर से उठाना था, क्योंकि इसका जो कनेक्शन आया वो प्लान जगह पर है, इसलिए पानी ऊपर चढ़ता नहीं, ये चढ़ाई पर है। तो डी साहब खालिद जहांगीर साहब थे, तो उन्होंने बहुत मेहरबानी करके 9/3/19 को 2.5 लाख रुपया इसके लिए छोड़ा, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि पीएचई डिपार्टमेंट ने ये जानबूझकर ही इसको लैप्स कर दिया पैसे को। और बाद में हमने फिर डी साहब को कहा तो उसने एससी को कहा, एससी साहब ने एक एक्सप्लेनेशन निकाली इनको, तो उसमें उन्होंने तोड़ मरोड़ कर जवाब दिया, कुछ टेक्निकल फॉल्ट दिखाया, कुछ ऐसे ऐसे दिखाते रहे। महकमा जल शक्ति ने इलाके में जल जीवन मिशन के तहत जल्द ही पाइपलाइन नस्ब किए जाने की यकीन दहानी कराई। पानी तो है वो, लेकिन सर्विस लेवल बहुत कम है। अब हमने जीजीएम में रखा है, बिलो 1 करोड़ में आता है, इसके लिए हमने प्रोजेक्ट भेज दिया गवर्नमेंट को, वो अप्रूव हो जाएगा, उनको पाइपलाइन लग जाएगी, पाइपलाइन लगेगी तो अच्छा पानी चलेगा उनको। वो पैसे उन्होंने 31 मार्च को आए थे, आज से 2 साल पहले, लेकिन 31 मार्च का हम क्या कर सकते हैं, वो तो सब वो पैसे तो सरेंडर करने पड़े। ईटीवी भारत के लिए बिजबिहाड़ा से गजाला निसार की रिपोर्ट।